सो गुड मॉर्निंग टू एवरी वन एंड जैन मेरी तरफ से कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी सभी बेस्ट हो गए। वीडियो का मेन टॉपिक बता देता हूँ, आज मॉर्निंग का रिव्यू थोड़ा सा खतरनाक टाइप का आया है। मैं दो सेंटर्स का रिव्यू प्लस तीसरे सेंटर का फुल रिव्यू वो कल का, ठीक है, शेयर करने वाला हूँ। उसके थ्रू मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू आपके साथ में शेयर करूँगा। बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आज मॉर्निंग सेंटर्स के दो सेंटर का रिव्यू बताता हूँ। पहला नंबर, अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले मेरा बात हुआ, एक भाई है जिसका राजस्थान से क्लियर है, PSL आना है, उनका पुशअप्स पेयर नहीं हुआ पुशअप्स, जबकि उन्होंने सब कुछ क्लियर किया था, रैली भरते हुए सब कुछ क्लियर किया था, यहाँ पर नहीं कर पाए। टोटल रिपोर्टिंग बताता हूँ किस सेंटर में रुकना, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड कुछ क्लियर करते हैं। नाउ इट्स फाइन। हाँ तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले जोधपुर सेंटर का। आज मॉर्निंग का जोधपुर सेंटर का रिपोर्टिंग वगैरह मैं बता देता हूँ। 220 कैंडिडेट का टोटल, भाई देखो जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, मुझे फेक शेयर करने में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं, अपने साथ अपने सब्सक्राइबर्स की बात करूँ तो 57K मतलब 57,000 सब्सक्राइबर्स है, तो मैं फेक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करता कुछ भी। और जो भी और बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो और मैं सबसे बात भी करता रहता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे फेक शेयर करने में कुछ भी नहीं मिलता है। ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं कि अंशु भाई मतलब मुझे आपके रिव्यू पे ट्रस्ट है, तो इस वजह से मैं उनके लिए कहता हूँ कि भाई आप तो ट्रस्ट करते हो, दूसरे भी अगर जो ऐसा करते हैं तो मैं ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट करना चाहिए, मैं गलत नहीं करता यार। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। 220 कैंडिडेट का यार रिपोर्टिंग था, और पता है कितने सेलेक्ट हुए वहाँ पे, 103 कैंडिडेट पी अपटी आउट। अभी जस्ट मैं वीडियो शूट करने से लगभग 15 मिनट पहले एक दोस्त का फोन आया, राजस्थान का है दोस्त, क्या आप ही लोगों में से एक है, कुछ दिन पहले मैसेज किए, 5 मिनट बाद किए दोस्त बन गए, तो ऐसा कुछ। तो उन्होंने मतलब बताया कि भाई PFT जो हो रहा है थोड़ा सा खतरनाक टाइप में, टोटल कदम ताल से ज़्यादा कैंडिडेट पुशअप्स में आउट हुए। कितने कैंडिडेट आउट हुए, 103 कैंडिडेट टोटल आउट हुए, जिसमें कि मैं बता दूं पुशअप्स में 3, 6 और 9 सेकेंड्स पे बता रहा था भाई, बहुत बहुत रुकवा रहे हैं 3, 6 और 9 सेकेंड्स पे। 9वें सेकेंड पे तो कहते हैं कि भाई 9वें सेकेंड जब आता है तो 9वें सेकेंड पे मतलब बोला कि 15 सेकेंड तक रुकवाते हो, तो कहता भाई उधर तो मैं गिर पड़ा, तो मतलब गिर पड़ा ऐसा कुछ मतलब समथिंग, तो उधर वो फेल हो गया। अब एक बात बताऊँ, नेक्स्ट सेंटर अतना बेंगलोर आता है। बेंगलोर में आज भाई अपना दोस्त है सुथरा, वो अभी घर आ गया, उसका सिलेक्शन मतलब हो गया, उधर से क्लियर हो गया, कल था उसका, आज उसके एक दोस्त का था, तो जस्ट उसका भी कॉल आया, मैंने जहाँ उसका मतलब बात ही कर रहा था तो उसका भी जस्ट कॉल आया, तो उसने अब यही मैं रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी सुना सकता था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक बात को रिकॉर्डिंग के थ्रू सुनाया जाए, अभी सुनाऊंगा कानपुर सेंटर का, क्योंकि वो मुझे लगता है कि आपको सुनाना चाहिए जिससे आप कैंडिडेट के थ्रू ही जान पाओगे। तो उसने क्या बोला कि भाई 50 कैंडिडेट उस पे आउट, PFT वाला टास्क, फर्स्ट टास्क PFT, उसमें 50 कैंडिडेट आउट। अभी अपना चलते हैं रिकॉर्डिंग वाले पे। तो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी को वार्न करना चाहूँगा, तो डेफिनेटली यार प्रैक्टिस करके जाओ, पहले से पहले मैं बोल रहा था जिसका टाइमिंग रनिंग में अच्छा आता होगा वो कर जाएगा, क्योंकि एक स्टेमिना होता है ना, एक पावर होता है, ठीक है। हमारा टाइमिंग 8 मिनट आता था, हमसे कह दिया जाए अचानक से कि 6 मिनट में मार दो, नहीं मार पाएंगे, तो सिंपल सी बात है भाई, मेक योर स्टेमिना जितना ज़्यादा वहाँ पर अपने पुशअप्स पे हैंड्स को रोकना थोड़ा सा, 10 सेकेंड 10 पुशअप्स मारो, 10 के सेकेंड को अपने को स्टॉप मतलब दे के देन अपना आगे। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग बता देता हूँ यार, आप में से जितने भी लोग मतलब आपसे कोई पूछता हो भाई कहाँ से पढ़ाई की कैसा क्या, तो डेफिनेटली अनअकैडमी रिकमेंड कर सकते हो, मे बी आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है, जो पढ़ा है वो रिकमेंड करो, और अगर कोई प्लस लेना चाहता है तो डेफिनेटली अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 है, 10% डिस्काउंट मिल जाता है, इंडिया टॉप एजुकेटर्स, यहाँ पे आज इंदिरा नाम का बैच भी आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो कि ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया टॉप एजुकेटर्स वहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे आप पढ़ना चाहो उसे पढ़ सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन उसे लिए होता है, यू कैन ऑल्सो आस्क मी एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, ओके। अभी कानपुर सेंटर का रिव्यू, धीरे धीरे सब सेंटर्स का यार रिव्यू आएगा, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करो, बाकी थैंक यू। चलते हैं कानपुर सेंटर का रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ, ठीक है, आपको साथ में कुछ शेयर कर देता हूँ यार, रुकना। और भी सेंटर्स का जैसे कल का अंबाला का मैं बता देता हूँ, तो 215 का रिपोर्टिंग थी, 210 प्रेजेंट थे, 20 PFT में आउट हुए, 5 SRT में आउट हुए, और GD में लगभग 115 का सिलेक्शन हो गया था, फाइनली मतलब 115 सिलेक्ट हुए। उसके बाद मैं आपको भोपाल का भी यहीं पर बता देता हूँ, देन आपको सुनाता हूँ चल के अपना टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन, जहाँ पर मैं फास्ट से फास्ट, जैसे कि मैं देखो वीडियो शूट करने से पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मॉर्निंग भाई आज का मॉर्निंग रिव्यू खतरनाक है, कुछ देर बाद शेयर करते हैं। ये आज मॉर्निंग का, जबकि 9:43 में वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकना गाइस, मैं ऊपर चल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई मिल जाए भाई, ये मिल गया, और ये आप ही लोगों में है, तुषार भाई ने मुझे शेयर किया था अपना ग्रुप पे, तो भाई भोपाल में 234 का रिपोर्टिंग एंड 184 रह गए PFT के बाद,
मतलब कि आप समझ सकते हो जितने, और बाकी मतलब 20 इधर से मान लो 30-50 कैंडिडेट पीएफटी में आउट हो गए, एनपीएफटी के बाद 9 एसआरटी में एंड आउट हुए, फिर 34 जीडी में आउट हुए, मतलब फाइनली भोपाल में इतने कैंडिडेट आउट हुए। सबसे अच्छा सिलेक्शन रेशियो मैं बताऊँ तो कल का बिहट्टा करा, एक दोस्त है अभी जस्ट बोला था कॉल करूँगा, तो कॉल जब करता है तो मैं आपके साथ में वहाँ के भी रिव्यू डेफिनेटली शेयर करूँगा। बाकी चलते हैं और डिस्कस करते हैं आपका रिव्यू। सो सौरभ भाई को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, अभी मैंने सबसे कह दिया कि भाई अपना पर्सनल डिटेल्स मत फॉरवर्ड किया करो, जैसे कि फ़ोटो में भी कभी इनको दिक्कत आ सकता है, तो उस वजह से मैंने भी लेना बंद कर दिया है अभी तक जो मैंने लिया है, तो उसके लिए सॉरी। बट अभी मैं किसी का फ़ोटो वोटो मैं मांगता हूँ, लेकिन वो खुद इंटरेस्टेड नहीं होते देने में, तो मुझे भी अच्छा लगता कि अच्छी बात है, आपको पता है। चलो मैं रिकॉर्डिंग यार स्टार्ट करता हूँ। हाँ, 3 SC पता मेरा। कितने का रिपोर्टिंग था ऑलमोस्ट? लगभग 180-190 के अप्रोक्स था। अच्छा, 180। कुछ डॉक्यूमेंट? हाँ, सबसे पहला वो बता यार, एडमिट कार्ड का क्या है, 12th का? नहीं, वो कुछ नहीं देखे, एडमिट कार्ड नहीं देखे। अच्छा ठीक है भाई, वो तो ठीक है, केवल 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, बस। डोमेसिल वो तो देखा होगा फिर से? नहीं, वो भी नहीं देखा। नहीं देखा, नहीं। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बता यार, तो फिर सबसे पहले मतलब क्या हुआ, आपको पता था क्या कि ये रनिंग होगा क्या, मतलब कदम ताल कब पता चला कि कदम ताल होगा? तो रनिंग की तैयारी की थी, लेकिन वहाँ पे कदम ताल कराया। अच्छा, कदम ताल कराया, तो सबसे पहले जब रिपोर्टिंग हुआ तो अंदर सबसे पहले क्या कदम ताल से स्टार्टिंग, मतलब पीएफटी हुआ ना? सबसे पहले कदम ताल से स्टार्टिंग कराई, फिर उसके बाद पुशअप्स और फिर स्क्वाट्स। हाँ, स्क्वायर। उसके बाद सीधे SRT करा दी। हाँ हाँ, ठीक समझ गया। तो ये जो इतना हुआ प्रोसेस पीएफटी वाला, इसमें कुछ कितने कैंडिडेट मतलब आउट हुए ऑलमोस्ट, आपको याद हो तो? मुश्किल से 5-6। बस 5-6 कैंडिडेट आउट हुए बस? ठीक है यार, सुबह तो बहुत लोग हुआ बनाए थे, बहुत कैंडिडेट आउट हो रहे, ठीक है। उसके बाद SRT? SRT में 2 हुए थे आउट, 2 कैंडिडेट। अच्छा अच्छा, SRT में 2 कैंडिडेट आउट हुए, उसका DFT टेस्ट तो हुआ नहीं? DFT हुआ नहीं। अच्छा ठीक है, तो उस SRT के बाद, SRT में वही होगा 30 मिनट 45 क्वेश्चन से? हाँ हाँ हाँ, वही था। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट? 2 क्वेश्चन थे, 2 बस। बस ओ, इस बार तो कम, चलो ठीक है। अगला उसका GD? GD में 40 आउट हुए, 40। GD में 40 कैंडिडेट आउट हुए? हाँ। अच्छा, GD का टॉपिक क्या था, आपका टॉपिक क्या था, और वैसे और टॉपिक सब? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब। अच्छा, कुछ ऐसा था। हाँ। और GD टॉपिक कुछ याद हो अगर आपको? मुझे मेरा ही वाला याद है केवल। अच्छा ठीक है, आपका मेडिकल डेट कब मिला? 3 फरवरी शायद मिला होगा, क्योंकि 3 फरवरी को मिला है। कहाँ है? गोरखपुर? नहीं, कानपुर। कानपुर पे ही है? हाँ। अच्छा, कुछ और जैसे कैंडिडेट जो GDT जाने वाले हैं उनको कुछ सजेशन? कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल हो रहा है, ज्यादा के लिए नहीं है। GD के लिए क्या बोल रहे थे, इंट्रो इंट्रो कुछ तैयार? कितनी देर उन्होंने मतलब ये कहा था कि मतलब अपने पिता मतलब फादर मदर का नेम में मत बताओ, जो अपने बारे में स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो बताओ, 30 सेकंड में वो इंट्रो देने का और 30 सेकंड में एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, टॉपिक के बारे में बस। अच्छा, ये सब कुछ ठीक है, तो फाइनली आप सेलेक्ट हो गए, तो कॉन्ग्रेट्स मेरी तरफ से, एंड कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है? ओके, इतना शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी अदर सेंटर्स के रिव्यू साथ में मैं मिलता हूँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग दिस ऑडियो। टेक केयर ब्रदर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, डू शेयर।